नमस्कार दोस्तों, सारस्वत स्टेनो क्लासेस द्वारा आयोजित साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में मैं पीयूष आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने पर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल्स और नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटल के बारे में कि जो मेटल्स यानी हो गया धातु, तो धातुओं की जो भौतिक विशेषता होती है उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है कि मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। सॉलिड होते हैं मतलब जो इसके इनके जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोजली बाउंडेड होते हैं। इसके जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से काफी पास पास जुड़े होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दे आर हार्ड। ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, हार्ड मतलब कठोर होते हैं। नेक्स्ट है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। गुड कंडक्टर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इस जितने भी मेटल्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है और वो हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। तो गुड कंडक्टर मतलब हो गया सुचालक। तो ये ऊष्मा के और विद्युत के दोनों के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो जितनी भी विशेषताएं हैं दोस्तों, ये सारी आपको याद रखनी है, इसी के ऊपर कंसेप्ट बेस होगा, यहीं से एग्जाम्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी धातु होते हैं वो सुचालक होते हैं विद्युत के और ऊष्मा के। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऊष्मा है और जो विद्युत है वो इसके अंदर विद्युत धारा जो है वो जितने भी मेटल्स होते हैं धातु होते हैं उसमें प्रवाहित हो सकती है। नेक्स्ट इसमें किसकी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये इसमें क्या होता है? लक्षर होता है। लक्षर मतलब हो गया धात्विक चमक। तो दोस्तों, जितनी भी मेटल्स होते हैं, जितनी भी धातु होते हैं, उनमें क्या होती है? चमक होती है। जैसे हम बात करें सोने की, गोल्ड की, आयरन की, लोहे की, सिल्वर, चांदी की, तो इन सब में क्या होती है? चमक होती है। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी, वो है सोनोरस। सोनोरस मतलब हो गया ध्वनात्मक। ध्वनात्मक मतलब ध्वनि उत्पन्न करने वाला, और सोनोरस मतलब हो गया साउंड प्रोड्यूस करने वाला। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम जैसे कई सारे स्कूल्स में पहले बैल बजती थी, तो बैल बजने पे क्या होता था? स्कूल में जो बैल की आवाज सुनाई देती थी उस टाइम के बाद मेटल पे ही स्ट्राइक किया जाता, धातु पे प्रहार किया जाता, तो उसकी वजह से क्या होती है? आवाज उत्पन्न होती थी। दूसरे मैं एग्जांपल की बात करूं कि कोई भी मेटल की चीज, मान लो स्टील की कोई प्लेट है या फिर लोहे की कोई वस्तु है, जब वो हमारे यहाँ से गिर जाती है तो वो क्या करती है? आवाज उत्पन्न करती है। तो मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं, ध्वनात्मक होते हैं, ध्वनि उत्पन्न करने वाले होते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स की प्रॉपर्टी, धातु की विशेषता क्या है कि जितनी भी धातु होते हैं वो क्या होता है? उनमें क्या कौन सा गुण पाया जाता है? तन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब ये डक्टाइल होते हैं। तो दोस्तों, डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल का मतलब ही हो गया कि डक्टिलिटी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी जो मेटल्स है वो एक थिन वायर, पतले वायर में चेंज हो सकता है। तो जितने भी जो मेटल्स है उनको हम वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तन्यता का मतलब क्या हो गया कि तन्यता किसी भी धातु की ऐसी विशेषता होती है, उस विशेषता के कारण जो धातु है वो तार में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें क्या पाई जाती है? तन्यता की विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जितने भी जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी सॉलिड जो है वो पिघल कर मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या? गलनांक। तो गलनांक क्या हो गया? किसी भी टेम्परेचर का तापमान का एक ऐसा बिंदु जिस पर वो ठोस से बदलकर द्रव में बदलना शुरू हो जाए। तो इनका क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उच्च गलनांक होता है। नेक्स्ट है इसकी जो विशेषता है वो है मैलिएबल। तो जितने भी जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, वो क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल मतलब हो गया आघात वर्धता। तो दोस्तों, मैलिएबिलिटी भी क्या होती है? मेटल की प्रॉपर्टी होती है। मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है? जितने भी जो मेटल्स है वो किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं? थिन शीट, एक पतली सी परत में बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैलिएबल का मतलब ये हो गया कि जो कोई मेटल की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए।
मतलब जो धातु है वो किसमें बदल जाए, पतली सी परत में बदल जाए। तो ये सारी की सारी क्या है, हमारी भौतिक विशेषताएं हैं किसकी, मेटल्स की, धातु की। तो हम एग्जाम्पल जान लेते हैं कि मेटल्स कौन कौन से होते हैं। तो आयरन मेटल है, गोल्ड भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल्स है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। इनके अलावा और भी मेटल्स होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस किया मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, लेकिन मेटल्स में भी क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, धातुओं में भी अपवाद होते हैं। तो दोस्तों आइए हम इन अपवाद के बारे में जान लेते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद भी करना है। फर्स्ट है कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ये देखी थी कि जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है, ठोस होते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी मतलब पारा, इसको मरकरी को इन्हें पारा बोलते हैं। तो मरकरी एक ऐसा एक्सेप्शन, ऐसा मेटल है जो कि इट बिकम्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर, ठीक है, मतलब जो कमरे का सामान्य तापमान है उस पे क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट में रहता है, मतलब ये द्रव अवस्था में रहता है। तो दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये आप याद कर लीजिएगा। ये जो मरकरी है उसका, जो लिक्विड मरकरी है उसका यूज किया जाता है थर्मामीटर के अंदर। तो दोस्तों थर्मामीटर क्या है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, थर्मामीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमारे हमारी बॉडी का टेम्परेचर, तापमान नापने के काम में आता है। तो इस थर्मामीटर के अंदर जो अंदर लिक्विड, जो ये लिक्विड लिक्विड जो भरा होता है, एक जो द्रव अवस्था में एक चीज पाई जाती है, ये क्या होती है, पारा ही होती है, मरकरी ही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी कि मेटल्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहां पर दो मेटल्स ऐसे हैं, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी कम होता है, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि दे गेट मेल्टेड इवन एट हैंड, की हाथ, इतना कम होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट कि अगर इनको हम हाथ में भी रख देना तो ये हाथ के टेम्परेचर, हमारी शरीर के तापमान पर ही, हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ही पिघलना शुरू कर देगा, मेल्ट होना शुरू होगा। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में ये क्या रखा हुआ है, गैलियम रखा हुआ है। तो दोस्तों जैसे गैलियम को इस हाथ पे रखा, तो देखो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो रहा है, मेल्ट शुरू हो रहा है। तो ये आपको जितनी भी एक्सेप्शंस है वो आपको याद रखने हैं। तो गैलियम और सीजियम दोनों ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और ये हाथ पे रखने पे भी पिघल सकते हैं, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने देखा था कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये जाना था कि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन क्या है, तीन मेटल्स है, तीन धातु है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये तीनों जो धातु है वो सो सॉफ्ट, बहुत ज्यादा नम्र होती है, मुलायम होती है, दैट दे कैन बी इवन कट बाय नाइफ। ये इतनी इतनी नरम होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि इनको आप क्या कर सकते हो, चाकू से भी काट सकते हो। तो दोस्तों ये सारे एक्सेप्शन थे। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर्स और नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल की भौतिक विशेषताएं, अधातुओं की भौतिक विशेषताएं क्या होती है। तो इसका पहली प्रॉपर्टी जानते हैं कि नॉन मेटल्स आर सॉलिड एंड गैस। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड भी होते हैं और गैस भी होते हैं, मतलब जो अधातु है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और गैस अवस्था में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि दे आर सॉफ्ट, ही क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। नेक्स्ट है कि दे आर नॉन लक्षरस, इनमें लक्षण नहीं होता, मतलब इनमें क्या होती है, चमक जो है इनमें चमक नहीं होती। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनमें क्या होती है, चमक नहीं होती दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसी कि दे आर नॉन डक्टाइल, इनमें क्या होता है, अतन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब नॉन मेटल्स को, अधातुओं को आप वायर में, तार में नहीं बदल सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब हो गया गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट मतलब हो गया क्वथनांक। तो दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया कि गलनांक का मतलब हो गया तापमान, एक ऐसा तापमान जिस पर जो ठोस, कोई ठोस वस्तु है वो पिघलना शुरू होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस तापमान को गलनांक कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वथनांक की।
मतलब बॉइलिंग पॉइंट की। तो दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है टेम्परेचर पे, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी जो लिक्विड है वो बॉइल होना, उबलना शुरू हो जाए, मतलब लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो ऐसे टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो दोस्तों क्वथांग का मतलब क्या हो गया, क्वथांग का मतलब एक ऐसा तापमान जिस पर जो द्रव है वो उबलकर गर्म होकर किस में बदलना शुरू हो जाए, गैस में बदलना हो जाए, तो बदलना शुरू हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वथांग बोलते हैं। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी कि दे आर नॉन सोनरस। इनमें क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न करने का, साउंड प्रोड्यूस करने का की जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है वो नहीं होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे हमने मेटल्स में, धातुओं में एक्सेप्शन देखे थे, अपवाद देखे थे, ऐसे ही हम नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन देखेंगे, धातुओं में अपवाद देखेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूं कि हमने ये देखा था कि जो मेटल्स की, नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कि वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं और क्या होते हैं, गैस होते हैं, गैसीय स्टेट में होते हैं, मतलब इनकी अवस्था क्या होती है, ठोस होती है और गैस होती है। लेकिन इस प्रॉपर्टी के विपरीत, इस प्रॉपर्टी के अपोजिट कौन सा नॉन मेटल है जो अपनी खुद की अलग प्रॉपर्टी शो करता है, एक्सेप्शन क्या है इसमें, ब्रोमीन है। तो दोस्तों ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, मतलब ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि नॉन कंडक्टर की जो नॉन मेटल्स है, जो अधातु है, वो क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है दोस्तों कि जो ग्रेफाइट है, तो दोस्तों जो ग्रेफाइट है ना वो क्या है, कार्बन है। अब ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप्स है, कार्बन का अपरूप है दोस्तों। तो यहां पर जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत धारा का सुचालक होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण भी कई बार पूछा जाता है, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा कि एज इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है कि हमने देखा था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है नॉन मेटल्स की, और कि नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नर्म होते हैं, मुलायम होते हैं। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है, वो है डायमंड। तो दोस्तों जो डायमंड है, डायमंड मतलब हो गया हीरा, डायमंड भी क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का अपरूप है। तो डायमंड जो है वो क्या है, उसमें 100% तो कार्बन पाई जाती है, और ये पूरे वर्ल्ड का पूरा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है पूरी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, वो क्या है, हीरा ही है। तो ये भी क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टी के विपरीत हो गया, ये भी अपवाद हो गया। नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी देखी थी नॉन मेटल्स की, अधातु की हमने विशेषता देखी थी कि ये क्या होते हैं, नॉन लक्षरस होते हैं। नॉन लक्षर मतलब इनमें चमक नहीं होती, लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है, वो है आयोडीन। तो दोस्तों आयोडीन में क्या होती है, चमक होती है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, इसमें क्या होती है, लक्षर होता है, चमक होती है। ये हमारी ब्रोमीन हो गई, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये ग्रेफाइट है दोस्तों, जो पेंसिल की जो निब है, जो हम पेंसिल यूज करते हैं, इसके जो आगे की जो निब है, ये भी किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से बनी होती है। ये डायमंड हो गया जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और ये आयोडीन है जिसमें देखो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या है, चमक है, लक्षर है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा नोट्स की। तो दोस्तों जितने मैंने आपको ये एक्सेप्शंस बताए, ये अपवाद बताए, ये आपको याद करने हैं, ये एग्जाम में दोबारा बोल दूं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से काफी क्वेश्चंस उठ कर आते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एक्स्ट्रा नोट्स की तरफ। तो यहां पर तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है कि हाईली मैलिएबल मेटल्स कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों हाईली मैलिएबल जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं गोल्ड और सिल्वर। इसमें से जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो आता है सिल्वर। सिल्वर क्या होता है, सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल होता है, मैलिएबल मतलब आघात वर्दी,
आघात वर्दी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था पिछली स्लाइड्स में कि आघात वर्दी एक ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण जो मेटल है हमारा, जो धातु है, वो एक पतली परत में बदल जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे हम मिठाइयाँ खरीदने जाते हैं, तो मिठाइयाँ जब खरीदते हैं तो मिठाइयों में हम देखते हैं कि मिठाइयों के ऊपर क्या होता है, एक चमकीली चमकीली परत चढ़ी होती है। तो दोस्तों वो जो परत है वो क्या होती है, वो चांदी की परत होती है। तो दोस्तों आप ये सोच लीजिए कि जो सिल्वर है, जो चांदी है, वो कितनी मैलिएबल है कि उसको इतनी पतली सी, बहुत माइन्यूट पतली सी शीट में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो यहां बात करें अभी मैलिएबल मेटल्स की, तो आपको याद रखना है कि जो जो गोल्ड और जो सिल्वर है वो हाईली मैलिएबल, मतलब सबसे ज्यादा सर्वोत्तम आघात वर्दी धातु होती है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे तो सिल्वर आता है और सेकंड नंबर पे गोल्ड आता है। मतलब फर्स्ट नंबर पे आती है चांदी और दूसरे नंबर पे आता है सोना। ये दोनों ऐसी धातु है जो कि सबसे ज्यादा आघात वर्दी होती है, मतलब ये सबसे ज्यादा इनको इनके इनको परतों में बदला जा सकता है। नेक्स्ट है हाईली डक्टाइल मेटल्स, कि सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल्स कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने पॉइंट्स है एक्स्ट्रा नोट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा होता है, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है गोल्ड, जो कि फर्स्ट नंबर पे आता है। नेक्स्ट है सिल्वर। तो डक्टाइल मेटल मतलब हो गया तन्य धातु। तन्यता क्या होता है, किसी भी धातु का गुण होता है जिसके कारण उसको किस में बदला जा सकता है, तार में बदला जा सकता है। तो सबसे ज्यादा तन्यता का जो गुण होता है वो किसके अंदर होता है, गोल्ड, सोने के अंदर होता है। और दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक ग्राम सोना, कि जो एक ग्राम गोल्ड है उससे 2 किलोमीटर लंबा जो वायर है, 2 किलोमीटर लंबा वायर तार बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 1 ग्राम सोने से कितना बन सकता है, 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। तो दोस्तों देखिए कि आप ये जान सकते हैं कि जो गोल्ड है, जो सोना है, वो कितना डक्टाइल होता है, कितना तन्य होता है। नेक्स्ट है कि हमारे हाउस होल्ड पर्पज के लिए घर में हम क्या यूज करते हैं, वायरिंग जो तार यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं दोस्तों, तांबे का यूज करते हैं। तांबे का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि बिकॉज सिल्वर इज सो वेरी कॉस्टली। क्यों, क्योंकि जो सिल्वर है, जो चांदी है, वो बहुत ज्यादा महंगी आती है। तो घर में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है जिन वायर्स में, उसमें हम क्या करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं, क्योंकि चांदी तो बहुत महंगी आती है, इसलिए उसमें तो कौन से तार यूज करते हैं, तांबे के तार यूज करते हैं। तो दोस्तों हमने कॉपर का वायर ही क्यों यूज किया, और यहां पर मैं सिल्वर की बात कर रहा हूं, तो चांदी ही मैंने क्यों बोला है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूं कि जो सिल्वर है, जो चांदी है, वो क्या है, सबसे हाई कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। जी हाँ दोस्तों, जो चांदी है वो क्या है, सबसे अच्छी कुचालक है किसकी, ऊष्मा की और विद्युत की। इसी कारण क्या होता है कि जो सबसे अच्छी कुचालक है तो इसमें विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होगी, लेकिन जो चांदी है वो महंगी आती है। तो चांदी के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो कॉपर आता है, तांबा आता है। तो इसी वजह से घर में जो विद्युत के, बिजली के जो तार होते हैं, विद्युत के जो तार होते हैं, उसमें हम क्या यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन सोलर पैनल्स के अंदर सिल्वर को यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो छोटे छोटे तार होते हैं ये चांदी के तार होते हैं। चांदी के तार इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिल्वर है वो क्या है, हाई कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। इसी कारण क्या है कि इसी प्रॉपर्टी के कारण इसे यूज किया जाता था कि जो सोलर पैनल्स है वो ज्यादा से ज्यादा हीट को कंडक्ट कर सके और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सके। इसी कारण सोलर पैनल्स में सिल्वर वायर का यूज किया जाता है। इसी वजह से जो सोलर पावर प्लांट्स है, जब इनको एस्टेब्लिश किया जाता है तो ज्यादा खर्चा लगता है, काफी कॉस्टली होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं, जो धातु होते हैं, वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। हीट मतलब ऊष्मा के और इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत के। तो दोस्तों लेकिन यहां पर मेटल्स के अंदर दो कुचालक भी होते हैं, दो पुअर कंडक्टर्स भी होते हैं, वो है लेड और मरकरी। मरकरी मतलब पारा। तो लेड और मरकरी ऐसे मेटल्स हैं दो जो कि पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं।
तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो दोस्तों जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है, दो मेटल्स या फिर एक मेटल और नॉन मेटल जब आपस में कंबाइन होते हैं, तो जो उस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। मतलब जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया जाता है। तो दोस्तों मेटल्स हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं। आपको याद रखना, धातु जितनी भी धातु है वो क्या करती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो दोस्तों जो मेटल्स है, जो धातु है, वो हमेशा क्या होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं पीरियोडिक टेबल के। जितने भी धातु होते हैं वो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, मतलब बाई तरफ होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन मेटल्स से करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं। जितनी भी अधातु होते हैं, जितनी भी अधातु होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करती है। एंड इट इज प्लेस ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड पे होते हैं। जितनी भी अधातु होती है वो आवर्त सारणी की दाई दिशा में होती है हमेशा। तो दोस्तों जैसे मैं आपको एग्जांपल के समझाना चाहूं कि हमारे एक, मान लो ये एक कंपाउंड है NaCl। तो NaCl जो बनता है वो किससे बनता है, कि जब सोडियम और क्लोरीन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो दोस्तों NaCl बनता है। अब हम यहां देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। तो ये तो क्या है, मेटल है, ये तो क्या है, मेटल है मतलब धातु है। और जो क्लोरीन है वो क्या है, नॉन मेटल है मतलब अधातु है। तो दोस्तों इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वही होता है 2-8-1। तो इसके आखिरी शेल में क्या पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। वही मैं बात करूं क्लोरीन की, तो जो क्लोरीन है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता है। तो दोस्तों जितने भी मेटल्स होते हैं या फिर नॉन मेटल्स होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट रूल, मतलब जो अष्टक का जो नियम है वो पूरा होना चाहिए। मतलब इसकी जो आखिरी शेल है उसमें क्या होना चाहिए, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहां पर क्या करेगा, इस फॉर्मेशन के दौरान जो सोडियम है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, क्लोरीन को। और क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं अधातु। तो ये इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेगा, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या हो गया, इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, इसकी जो बाहरी बाहरी शेल है वो भी क्या हो जाएगी, पूरी फुलफिल्ड हो जाएगी, भर जाएगी। और यहां पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसके पास जो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इसकी भी क्या हो गया, आखिरी जो शेल है वो पूरी भर गई। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी विद इलेक्ट्रिसिटी, की विद्युत के साथ चालकता का जो ऑर्डर है, कि जो क्रम है वो क्या होता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सिल्वर जो है वो क्या होता है, हाई कंडक्टर होता है। किसका सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। फर्स्ट नंबर पे आता है सिल्वर मतलब चांदी, और नेक्स्ट आता है कॉपर तांबा, तीसरे नंबर पे आता है गोल्ड सोना, और चौथे नंबर पे आता है एल्युमिनियम। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो विद्युत का सुचालक है वो क्या होता है, सिल्वर चांदी होती है। नेक्स्ट है तांबा, और तीसरे नंबर मैंने आपको बताया गोल्ड यानी सोना, और चौथे नंबर पे आता है एल्युमिनियम, मतलब एल्युमिनियम ही बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे हमने देखा था कि जो मेटल्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, तो हाईएस्ट में इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सबसे उच्च गलनांक किसका होता है दोस्तों, सबसे उच्च गलनांक होता है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। टंगस्टन क्या है, फिलामेंट होता है जो कि बल्ब में यूज किया जाता है। बल्ब के अंदर जो ये तार तार जो बने होते हैं, जो ये वायर होते हैं अंदर, ये क्या होता है, ये टंगस्टन ही होता है, ये टंगस्टन होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस,
मतलब इतना टेम्परेचर देने के बाद जब ये टेम्परेचर आता है उसके बाद ये मेल्ट होना शुरू होता है, उससे पहले ये मेल्ट नहीं होता, पिघलता नहीं है। तो इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज किया जाता है, ताकि ये इस टेम्परेचर पर, जो टेम्परेचर जो हीट प्रोड्यूस की जाती है करंट के द्वारा, तो उस हीट के कारण ये मेल्ट नहीं हो। इसलिए जितने भी इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें टंगस्टन यूज किया जाता है। टंगस्टन इसलिए यूज किया जाता है, टंगस्टन इसलिए काम में लिया जाता है क्योंकि इसका क्या होता है, उच्च गलनांक होता है। ये 3422 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, उससे पहले ये पिघलता नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हाईएस्ट इलास्टिक मेटल, कि सबसे हाईएस्ट इलास्टिक मेटल कौन सा होता है, वो होता है सिल्वर। दोस्तों इलास्टिसिटी क्या होती है, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब हो गया लचीलापन, मतलब उसको आप पकड़ के कितना खींच सकते हो। तो दोस्तों जो सबसे हाईएस्ट इलास्टिक मेटल होता है, जो सबसे लचीली धातु होती है, वो होती है सिल्वर। सिल्वर मतलब चांदी। चांदी को आप काफी खींच सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे लचीली लचीली धातु कौन सी होती है, वो होती है सिल्वर, चांदी। नेक्स्ट, अदर देन मेटल्स, मेटल्स के अलावा सबसे हाईली इलास्टिक सब्सटेंस, सबसे इलास्टिक सबसे लचीला पदार्थ कौन सा होता है, रबर होता है। रबर क्या होता है, सबसे लचीला पदार्थ होता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी रबर को हम आसानी से बहुत लंबा सा खींच सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं पीरियोडिक टेबल के। तो दोस्तों ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है। इसके अंदर जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स मतलब धातु जो होते हैं, वो क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। दोस्तों जितनी भी यहाँ पे स्काई कलर से, इसको स्काई कलर से रिप्रेजेंट किया है, जो सारा आसमानी कलर है, ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स है। और जैसा कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सारे के सारे क्या है, लेफ्ट साइड पे होता है। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो क्या है दोस्तों, एक्सेप्शन है, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे पाया जाता है, लेकिन ये क्या है, नॉन मेटल्स है। और मैंने आपको बताया था कि जो नॉन मेटल्स है, जो अधातु है, वो राइट हैंड साइड पे पाए जाते हैं, मतलब दाई तरफ पाए जाते हैं। तो दोस्तों जितने भी ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये जितने भी ग्रीन कलर से जो एलिमेंट्स है, जो तत्व है, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स है, मतलब अधातु है। तो दोस्तों तत्व में एक प्रकार और पाया जाता है, वो है मेटेलॉइड, मतलब उपधातु। तो दोस्तों मेटेलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब उपधातु ऐसे ऐसे तत्व होते हैं जो कि धातु और अधातु दोनों की विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो दोस्तों इस मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर एक जिगजैग लाइन है, ये जिगजैग लाइन है। ये जो जिगजैग लाइन के अंदर जितनी भी ये एलिमेंट्स है, जितने भी तत्व, ये सारे के सारे क्या होते हैं, उपधातु होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं। तो दोस्तों उपधातुओं की, मेटेलॉइड्स की आपको एक खास बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो मेटेलॉइड्स होते हैं, जब इनको लो टेम्परेचर पे रखा जाता है तो ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब ये क्या होता है, जब इनको निम्न तापमान पे रखा जाता है तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही हम इसका तापमान बढ़ाते हैं, तो तापमान बढ़ाने के कारण ये क्या होते हैं, विद्युत विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेटल्स की। तो मेटल्स को हमने दो तरीके मेटल्स के दो टाइप्स कर दिए हैं हमने। फर्स्ट है फेरस मेटल, तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। मेटल्स इन विच कार्बन इज प्रेजेंट आर कॉल्ड फेरस मेटल्स। तो दोस्तों ऐसे मेटल्स जिसमें कार्बन पाया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फेरस मेटल्स बोलते हैं। और फेरस मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि फेरस मेटल्स शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो फेरस मेटल्स क्या करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि ये क्या करते हैं, एज अ मैग्नेट बिहेव करते हैं, सॉरी ये क्या करते हैं, मैग्नेट क्या करता है, इनको अट्रैक्ट करता है। जैसे ही हम लोहे के पास, आयरन के पास मैग्नेट को लेके जाएंगे तो मैग्नेट क्या कर लेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही कोबाल्ट के पास हम जब लेके जाएंगे मैग्नेट को, मैग्नेट इसको भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो इनमें क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो दोस्तों लौह धातु किसे कहते हैं, लौह धातु ऐसी धातु होती है जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। तो जिन धातुओं में कार्बन
उपस्थित होता है उन धातुओं को लौह धातु कहते हैं, और इन धातुओं में चुंबकीय गुण पाया जाता है। मतलब ये क्या होते हैं, चुंबक जो है वो इन्हें क्या करती है, आकर्षित कर लेती है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि फेरस मेटल के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, आयरन, लोहा, स्टील, कोबाल्ट और निकल, ये सारे के सारे क्या है, फेरस मेटल्स के एग्जाम्पल है। अब इसके अपोजिट होते हैं नॉन फेरस मेटल। तो द मेटल्स इन विच कार्बन इज नॉट प्रेजेंट, ऐसे मेटल जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता उसे नॉन फेरस मेटल्स बोलते हैं। तो दोस्तों एज नो कार्बन इज प्रेजेंट, इसमें अगर कार्बन ही प्रेजेंट नहीं होगा तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, मतलब मैग्नेट इनको अट्रैक्ट नहीं करता है। तो नॉन फेरस मेटल का मतलब हो गया अलौह धातु। तो ऐसी धातुएं जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता उन धातुओं को नॉन फेरस अलौह धातु कहते हैं। और दोस्तों इसमें जब कार्बन ही उपस्थित नहीं होगा, कार्बन ही प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चुंबकीय जो गुण है वो भी शो नहीं करते, वो भी नहीं दर्शाते। और इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, जिंक, जस्ता, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी और एल्युमिनियम। तो दोस्तों यहां पर ये क्वेश्चन उठता है कि आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसमें पूछेगा कि इनमें से कौन से मेटल को, कौन से धातु को मैग्नेट जो है, चुंबक है वो आकर्षित करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो आप ये एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स की, कि धातुओं का उपयोग कहां कहां होता है। तो दोस्तों यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है, यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, मेटल ऑफ होप किसे कहते हैं, यूरेनियम को कहते हैं। नेक्स्ट है सिलिकॉन। तो दोस्तों सिलिकॉन का यूज किया जाता है सोलर सेल, जो भी सोलर सेल बनते हैं उसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि सोलर सेल्स में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। और यूरेनियम को क्या बोलते हैं, आशा धातु बोलते हैं, मेटल ऑफ होप कहते हैं। नेक्स्ट है लिथियम एंड पोटेशियम आर कैप्ट इन वैक्स। तो दोस्तों लिथियम और पोटेशियम को वैक्स में रखा जाता है, मतलब मोम में रखा जाता है। तो दोस्तों लिथियम और पोटेशियम को वैक्स में, मोम में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। और इनकी हाई रिएक्टिविटी के कारण क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट कर लेंगे, ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्ट करके ये क्या कर देंगे, हीट प्रोड्यूस करते हैं बहुत एक्सेस अमाउंट में। तो इससे बचने के लिए, ताकि ये डिस्ट्रॉय नहीं हो और आसपास को नुकसान नहीं पहुंचे आसपास वाले लोगों को, इसी वजह से इन्हें क्या रखा जाता है, मोम में रखा जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि लिथियम और पोटेशियम को मोम में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी मतलब सक्रियता सबसे ज्यादा होती है सोडियम, लिथियम और पोटेशियम की। तो इसी कारण इनको क्या जाता है, मोम में रखा जाता है, ताकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना करे और इससे ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूं कि जो सोडियम है, सोडियम को भी केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, सोडियम को भी केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि सोडियम भी है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, और जैसे ही ये वाटर से या फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये हीट को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे किसमें रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। हाईली रिएक्टिव मेटल मतलब हो गया सबसे ज्यादा सक्रिय धातु। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम, कि जो क्लोरोफिल होता है, जो कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, तो इस क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा कि जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, जो हरे पादपों में जो क्लोरोफिल होता है उसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे खून का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। तो दोस्तों जो हेमोग्लोबिन है उसके अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है, इसमें आयरन पाया जाता है, आपको याद रखना है आयरन। इसमें क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। इस आयरन के कारण ही हमारा जो ब्लड का जो कलर है वो क्या होता है, रेड होता है। ये भी आप याद कर लीजिएगा कि जो हेमोग्लोबिन है उसमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रैकर्स, जब फटाके फूटते हैं
तो रेड कलर इज ड्यू टू, तो उसमें जो लाल कलर के जो फटाके फूटते हैं इस तरह के, उसमें उस रेड कलर किसके कारण होता है? स्ट्रॉन्सियम, स्ट्रॉन्सियम एक मेटल है, उसके कारण क्या होता है जो फटाकों में लाल कलर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है द ग्रीन कलर इज ड्यू टू बेरियम, और जो हरे कलर के जो फटाके फूटते हैं, हरा जो कलर आता है जब फटाके फूटते हैं, तो जब क्रैकर बस्ट होते हैं तो ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है? बेरियम के कारण आता है। तो दोस्तों सबसे लाइटेस्ट लाइट मेटल, सबसे हल्का हल्की जो धातु होती है वो क्या होती है? लिथियम होती है। ये भी आपको याद रखना है कि लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्का जो मेटल है वो कौन सा होता है? वो लिथियम होता है। लिथियम इस तरह का होता है। नेक्स्ट है सबसे हैवी मेटल कौन सा होता है? तो दोस्तों सबसे हैवी मेटल होता है ऑस्मियम। ये ऑस्मियम है जिसका सिंबल OS होता है। तो सबसे भारी धातु क्या होती है? ऑस्मियम होती है। नेक्स्ट है हार्डेस्ट मेटल, सबसे कठोर मेटल कौन सा होता है? वो होता है प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट गोल्ड, इसे क्या बोलते हैं? सफेद सोना भी बोलते हैं, और इसे एडम कैटलिस्ट, एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना कहा जाता है, और एडम कैटलिस्ट भी कहा जाता है। और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि द निब ऑफ फाउंटेन पेन इज मेड ऑफ प्लेटिनम, कि जो फाउंटेन पेन होता है उसकी जो निप होती है वो किससे बनी होती है? वो किससे बनी होती है? प्लेटिनम से बनी होती है। तो आपको याद रखना है कि सबसे हार्डेस्ट मेटल, सबसे कठोर जो धातु होती है वो प्लेटिनम होती है। ये प्लेटिनम है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात ये भी, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि जो प्लेटिनम है वो गोल्ड से भी महंगा होता है। नेक्स्ट है सबसे सॉफ्ट मेटल कौन सा होता है? सबसे नर्म धातु कौन सी होती है? तो दोस्तों वो सोडियम होता है। सबसे सॉफ्ट मेटल सोडियम होता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमन, कि ऐसी पहली धातु जो ह्यूमन इंसानों के, मानवों के द्वारा उपयोग में ली गई थी, वो है कॉपर तांबा। तो दोस्तों सबसे पहले, ये भी आप याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले मनुष्य द्वारा उपयोग में ली गई जो धातु है, जो फर्स्ट मेटल है जो कि ह्यूमंस के द्वारा यूज किया गया था, वो था कॉपर, मतलब तांबा। नेक्स्ट है कॉइन मेटल्स कौन कौन से होते हैं? तो कॉइन मेटल्स होते हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो दोस्तों कॉपर, सिल्वर और गोल्ड से ही कॉइन्स बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं। तो सिक्के बनाने के लिए आप याद कर लीजिए कि धातु, सिक्के बनाने के लिए कौन कौन सी धातु उपयोग में होती है? वो है कॉपर तांबा, सिल्वर चांदी और गोल्ड सोना। नेक्स्ट है रेडियम मेटल, रेडियम धातु, इसका उपयोग किया जाता है नंबर प्लेट्स बनाने के अंदर और डायरेक्शन बोर्ड, जितने भी डायरेक्शन बोर्ड्स बनाए जाते हैं उसमें रेडियम मेटल का यूज किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें काफी चमक होती है। ये रेडियम मेटल है, रेडियम मेटल से बने ऑब्जेक्ट है, इसमें काफी चमक होती है, इस कारण रात को भी हमें दिखाई दे देती है ये। नेक्स्ट है कि वेपन्स, हथियार बनाने में किसका यूज किया जाता है? तो दोस्तों हथियार बनाने में टाइटेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। जितने भी सेना के जो हथियार बनते हैं, चाहे ये टैंक हो, बंदूकें हो, इन सब में किसका उपयोग किया जाता है? टाइटेनियम मेटल का, टाइटेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूजेस और नॉन मेटल्स की, धातुओं के उपयोग की, और साथ ही साथ हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की, कुछ बहुत उपयोगी जो यौगिक है उनकी हम बात करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वारेजिया की। तो दोस्तों एक्वारेजिया को रॉयल वाटर भी बोलते हैं। जो एक्वारेजिया है वो एक, ये एक्वारेजिया होता है, इस कलर का एक्वारेजिया होता है, ये एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका काम क्या होता है कि जो हार्डेस्ट मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर है, उसको भी ये मेल्ट कर देता है, पिघला देता है। इसे हम क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इतना स्ट्रांग होता है कि ये जो हार्डेस्ट मेटल्स है गोल्ड और सिल्वर, उनको भी मेल्ट कर सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। तो एक्वारेजिया जो बनता है वो HNO3 और HCl, जब HNO3 और HCl, HNO3 मतलब हो गया नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है, और HCl मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब एक पार्ट, ये भी आपको याद है कि जब एक पार्ट नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक अम्ल का, और दूसरा और तीन भाग HCl अम्ल के, HCl एसिड के, जब तीन पार्ट आपस में कंबाइन होते हैं तो इससे रॉयल वाटर बनता है। रॉयल वाटर को क्या बोलते हैं? अम्लराज कहते हैं इसको। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जो अम्लराज है वो कैसे बनता है, कि जब एक एक भाग नाइट्रिक एसिड का लिया जाता है और तीन भाग HCl एसिड के लिए जाते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? अम्लराज बनता है, एक्वारेजिया बनता है। और इसका उपयोग क्या है कि ये
गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी जैसे कठोर धातुओं को भी क्या कर सकता है, पिघला सकता है। नेक्स्ट है फ्रंट पार्ट ऑफ मैच स्टिक इज फॉस्फोरस, ये क्या होता है, इज मेड अप ऑफ फॉस्फोरस। जो दिया जो फॉस मतलब जो हमारी मैच स्टिक है, जो माचिस है, इसका जो फ्रंट फ्रंट भाग है, ये जो रेड कलर का सब्सटेंस होता है, ये क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। तो दोस्तों जो दिया सलाई है, दिया सलाई मतलब ये माचिस जो है, इसका जो ऊपरी ऊपरी जो हिस्सा होता है वो किससे बना होता है, फॉस्फोरस से बना होता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन सिलेंडर कंटेन्स हीलियम ऑल्सो। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में और कई जगह काम में ले जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भरी होती है, तो इसमें क्या होती है, हीलियम भी इसके साथ भरी जाती है। नेक्स्ट है हम सल्फर की बात कर लेते हैं। तो मेडिसिन यूज फॉर स्किन डिसीज कंटेन सल्फर। तो ऐसी दवाइयां, ऐसी मेडिसिन जो कि स्किन डिसीज के लिए, त्वचा रोग के निवारण के लिए उपयोग में ली जाती है, उनमें क्या होता है, सल्फर होता है। तो दोस्तों ये भी आप याद कर लीजिएगा कि जो सल्फर है वो ऐसी मेडिसिन पाया जाता है जो कि यूज की जाती है स्किन डिसीज के प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों ये सल्फ्यूरिक एसिड है इस बीकर के अंदर। और इट इज यूज इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, और पेट्रोल की रिफाइनिंग में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, ये सल्फर है। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन का क्या यूज किया जाता है, तो क्लोरीन को यूज किया जाता है प्योरिफाइंग वाटर, पानी के शुद्धिकरण, जल के शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम से पूछा जाता है। नेक्स्ट है टीयर गैस, मतलब आंसू गैस। तो दोस्तों आप याद कर लीजिएगा कि जो ब्रोमीन है उसी कहा जाता है टीयर गैस कहा जाता है, उसे आंसू गैस कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है जिप्सम। तो दोस्तों जिप्सम का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, जिप्सम का फॉर्मूला होता है Ca(SO4).2H2O। दोस्तों ये जिप्सम में व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, और ये ब्रोमीन है जो जिसे कि टीयर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है फॉल्स गोल्ड, झूठा सोना। तो फॉल्स गोल्ड किसको कहा जाता है, आयरन सल्फाइड को कहा जाता है, ये आयरन सल्फाइड है। दोस्तों इसको फॉल्स गोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्योंकि जो जितनी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो बनती है वो किससे बनती है, इस आयरन सल्फाइड से बनती है, और इसमें चमक भी काफी होती है, जितनी सोने में चमक होती है ना उतनी इसमें चमक होती है। तो दिखने में क्या होता है, जैसे इसकी पॉलिश कर दी जाती है तो दिखने में क्या होता है, ये सोने जैसा होता है, तो बोलते हैं नकली सोना है वो, ये क्या होता है, वो आयरन सल्फाइड ही होता है। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड। तो दोस्तों सिल्वर सिल्वर ब्रोमाइड को यूज किया जाता है फोटोग्राफी के अंदर, ये आप याद कर लीजिएगा कि फोटोग्राफी के अंदर जो यूज किया जाता है, जो कंपाउंड यूज किया जाता है वो क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट। तो दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट को यूज किया जाता है उस इंक बनाने के अंदर, ऐसी इंक बनाने के अंदर जो कि हाथ हाथ में लगाई जाती है, जब वोट का टाइम होता है ना, जब इलेक्शंस आते हैं तो हम लोग वोट देने जाते हैं, तो वहां पर एक इंक लगाई जाती है हमारे हाथ पर, ताकि वो मिटे नहीं और हम दोबारा वोट ना दे सके। तो इसलिए जो इंक लगाई जाती है उसमें क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट ही होता है। और इस इंक की प्रॉपर्टी ये होती है, इसकी इसकी खासियत ये होती है कि काफी लंबे समय तक इंक रहती है, आप इसको हटा नहीं सकते जल्दी से। तो दोस्तों नेक्स्ट है कार्बन। तो इट शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो दोस्तों कार्बन क्या करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, श्रृंखलन विशेषता शो करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कैटिनेशन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण जो एलिमेंट है वो आपस में ही आपस में इसके जो एटम आपस में कई इसके जो एटम्स है वो काफी एक साथ बहुत ज्यादा कंबाइन हो जाए। तो दोस्तों इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन मतलब हो गया श्रृंखला बनाना, आपस में जुड़ जाना। तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो किसके द्वारा शो की जाती है, सल्फर के द्वारा, सॉरी कार्बन के द्वारा शो की जाती है। कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी में फर्स्ट नंबर पर आता है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कार्बन से बने होते हैं, तो इस कार्बन की इसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण ही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है सल्फर। तो दोस्तों सल्फर में भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन सल्फर क्या होता है, इसके जब 8 एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं वहां तक ही ये क्या होता है, स्टेबल होता है, उसके बाद स्टेबल नहीं रहता। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल डायमंड किसको कहते हैं। दोस्तों आर्टिफिशियल डायमंड सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। आर्टिफिशियल डायमंड मतलब हो गया कृत्रिम हीरा। तो कृत्रिम हीरा किसको कहा जाता है,
सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सिलिकॉन कार्बाइड है। नेक्स्ट है जो कि बहुत ज्यादा काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, कि लाफिंग गैस किसको कहते हैं, तो दोस्तों लाफिंग गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, आप याद कर लीजिएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2O, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाफिंग गैस दोस्तों जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसी गैस जिसको जैसे ही वो हमारी बॉडी में इंटेक होती है, हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो हमें काफी हंसी आती है, हम जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ब्रोमीन प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, जैसे मैं आपको बताया था नॉन मेटल्स के एक्सेप्शन में, कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड और गैस होते हैं, लेकिन जो ब्रोमीन है वो लिक्विड अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का विद्युत का सुचालक है, ऐसा इसलिए भी मैंने आपको बताया था बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें क्या होते हैं मुफ्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, इसी कारण ये क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और यूज क्या है ग्रेफाइट का, ये ग्रेफाइट है कि इन ड्राई सेल कैथोड इज मेड ऑफ ग्रेफाइट, तो दोस्तों इन ड्राई सेल मतलब शुष्क सेल, शुष्क सेल में जो कैथोड जो बना होता है वो किससे बना होता है, ग्रेफाइट से बना होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट है कार्बन ब्रशेस आर मेड ऑफ ग्रेफाइट, तो दोस्तों हमारे पिछले वीडियो में जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो उसमें जो कार्बन ब्रशेस यूज की जाती है, तो दोस्तों जो कार्बन ब्रशेस यूज की जाती है वो भी किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से बनी होती है। तो वहां पर उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि वहां पर कार्बन ब्रशेस यूज हुई थी और वो ग्रेफाइट से बनी होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ऑल्सो कॉल्ड, हाइड्रोजन क्या कहा जाता है, फ्यूचर फ्यूल मतलब भविष्य का ईंधन, जी हाँ दोस्तों हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर है। तो दोस्तों हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल इसलिए यूज किया जाता है कि ये आने वाले भविष्य में जो फ्यूचर आएगा उसमें काफी इंपॉर्टेंट अपना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये क्या होता है एक तो एनवायरमेंट में मिल भी जाता है, दूसरा ये है कि ये क्या होता है लाइट गैस होती है। नेक्स्ट ये है कि जितने भी बैलून्स हॉट एयर बैलून्स होते हैं उनमें से और जो नॉर्मल बैलून्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन और हीलियम भी भरी जाती है, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जा रहा है फ्यूचर फ्यूल कहा जा रहा है, इसे भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है क्योंकि भविष्य में ये काफी उपयोग में आने वाला है। और हाइड्रोजन का उपयोग कहां किया जाता है, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, तो दोस्तों हाइड्रोजन का यूज किया जाता है वेजिटेबल ऑयल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी। नेक्स्ट है एयर ब्लोज इन बैलून की, गुब्बारे के अंदर जो हवा भरी जाती है उसमें 85% हीलियम 85% हीलियम होता है एंड 15% हाइड्रोजन और 15% हाइड्रोजन होते हैं। नेक्स्ट है थ्री आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, वो है प्रोटियम ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये आपको याद करना है दोस्तों। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, अभी तक हमने बात करी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, भौतिक विशेषताओं की, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, रासायनिक विशेषताओं की। तो सबसे पहले व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो जब मेटल जब रिएक्ट करता है, धातु जब रिएक्ट करती है, अभिक्रिया करती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होता है, तो दोस्तों जब मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड, तो दोस्तों जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है, मेटल ऑक्साइड मतलब हो गया धातु ऑक्साइड। नेक्स्ट है इसी में सब पॉइंट की व्हेन कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, और जो ये कॉपर ऑक्साइड होता है वो क्या होती है, वो क्या कौन से कलर का होता है, ब्लैक ऑक्साइड। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा कि जब जो तांबा है कॉपर है जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, और जो ये कॉपर ऑक्साइड है इसका कलर क्या होता है, काला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्पोटेरिक ऑक्साइड, तो दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एम्पोटेरिक ऑक्साइड मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड, तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, दोस ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो ऐसे ऑक्साइड जो कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट लवण और वाटर पानी बनाते हैं,
ऐसे ऑक्साइड जो कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं, ऐसे ऐसे ऑक्साइड्स को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो दोस्तों एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया? ऐसे ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड डज नॉट डिजॉल्व इन वॉटर एक्सेप्ट सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पानी में डिजॉल्व नहीं होते, पानी के अंदर घुलते नहीं है। लेकिन जो सोडियम ऑक्साइड और जो पोटेशियम ऑक्साइड है, ये दोनों पानी के अंदर घुल जाते हैं। नेक्स्ट है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। तो दोस्तों एनोडाइजिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें एक थिक एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर एक थिक मोटी सी ऑक्साइड की जो लेयर है, परत है, वो चढ़ा दी जाती है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस पे क्या हो, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करे और ये कोरोड नहीं हो, इस पे जंग नहीं लगे। तो दोस्तों एनोडाइजिंग क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एल्यूमिनियम धातु पर एक मोटी ऑक्साइड की परत, ऑक्सीजन की परत चढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट है कि इफ मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, की अगर जो मेटल्स है, धातु है, अगर वो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? तो दोस्तों व्हेन मेटल प्लस वाटर, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो ये आपको याद रहना है कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? धातु धातु ऑक्साइड बनती है और जो हाइड्रोजन गैस है वो भी बनती है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कि जो सोडियम और जो पोटेशियम है वो तो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है ओनली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल फ्लोट्स ऑन वाटर, और जो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम धातु है ये पानी में फ्लोट करती है, तैरती है जल पर, जल में। नेक्स्ट है आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद स्टीम, कि जो आयरन और जो जिंक है वो किससे रिएक्ट करते हैं? वाटर से, नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करते, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। आयरन मतलब लोहा और जिंक एंड जस्ता, ये दोनों स्टीम भाप से अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड सिल्वर और कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो दोस्तों गोल्ड सिल्वर और जो कॉपर है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी है वो क्या होती है? बहुत लो होती है, इनकी जो सक्रियता है वो काफी कम होती है। नेक्स्ट है व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, की जब मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? जब व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट लवण बनता है और हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या होती है? लिबरेट होती है, बाहर निकलती है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब मेटल्स रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, लेकिन जब मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो ये सिर्फ क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। इस दौरान जो हाइड्रोजन जो गैस है वो लिबरेट नहीं होती है, बाहर नहीं निकलती है। नेक्स्ट है अक्रेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है उनकी अक्रेंस वो हमें मिलते कहां से है? तो मैक्सिमम अक्रेंस ऑफ मेटल इज फ्रॉम, कि ज्यादातर जो हमें मेटल्स प्राप्त होते हैं वो अर्थ क्रस्ट से पाया से मिलते हैं और सी वाटर से मिलते हैं। तो दोस्तों तो इस टॉपिक्स में हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, जिस टर्म जो जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है ओर, मिनरल्स, गैंग और मेटलर्जी। तो दोस्तों ओर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रॉक, और क्या होती है? स्पेशल टाइप ऑफ रॉक होती है डेट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो कि कहां से निकलती है? अर्थ क्रस्ट से निकलती है और सी वाटर या फिर समुद्र से निकलती है विद इम्प्योरिटीज। इसमें क्या होती है? इम्प्योरिटीज भी होती है। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है? और है एल्यूमिनियम की, ये भी आपको याद रखना कि बॉक्साइट इज और ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है मिनरल्स किसको बोलते हैं? तो द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसे कंपाउंड्स विच अकर्स नेचुरली, जो कि नेचुरली पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है गैंग, द इम्प्योरिटीज ऑफ कॉमर्शियली वैल्यूलेस मेटेरियल। तो इम्प्योरिटीज मतलब हो गया जो गंदी की है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, और जो कॉमर्शियली वैल्यूलेस, जिसकी कॉमर्शियल लेवल पे कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे मेटेरियल जो कि मिनरल्स के साथ ओर में प्रेजेंट होते हैं, इन इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं?
और बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं सैंड की, मिट्टी की। नेक्स्ट है मेटलर्जी। तो दोस्तों मेटलर्जी एक प्रोसेस है ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम ओर्स की, ओर्स से प्योर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की, निकालने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, मेटलर्जी कहलाती है। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं धातु और अधातु की प्राप्ति की, इनकी प्राप्ति हमें कहां से होती है। तो दोस्तों सर्वाधिक धातुओं की प्राप्ति हमें भूपट्टी से होती है और समुद्र से होती है। तो ये आपको याद रखना है कि सर्वाधिक धातु की प्राप्ति हमें कहां से होती है, भूपट्टी से और समुद्र से। तो अब कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। खनिज, खनिज किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को या यौगिक को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो ऐसे तत्व या यौगिक जो कि पृथ्वी की भूपट्टी में पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, उन्हें खनिज कहा जाता है। अगला है अयस्क, अयस्क किसे कहते हैं, अयस्क वह खनिज है जिनसे सुविधा और लाभ के लिए धातु निकाली जाती है। तो अयस्क क्या है कि जो ऐसे खनिज है जिनका जिनसे जिन जिन जिनसे क्या किया जाता है, सुविधा और लाभ के लिए धातु निकाली जाती है। तो अयस्क से ही हमें क्या प्राप्त होते हैं, धातु प्राप्त होती है। नेक्स्ट है गैंग। तो पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो दोस्तों जब पृथ्वी की भूपट्टी से हमें अयस्क प्राप्त होते हैं, तो अयस्क में धातु के साथ साथ कई सारी अशुद्धियां भी होती है, जैसे मिट्टी है, रेत है और लोहे के टुकड़े हो गए। तो ये जो अशुद्धियां, इन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। नेक्स्ट है धातु शोधन। तो धातुओं को उनके अयस्क से पृथक करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, धातु शोधन कहलाती है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, वो एक प्रोसेस होती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है मेटल्स की रिफाइनिंग के लिए, जैसे कॉपर, जिंक, निकल, इन मेटल्स की रिफाइनिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रोसेस को हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रोड ऐसे मेटल के बने होते हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, उसे तो हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसे कैथोड कहा जाता है। तो आप याद कर लीजिए कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड होता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड होता है। तो इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। यहां पर हम क्या करते हैं, इसमें इस सॉल्यूशन के अंदर एक बीकर लेते हैं, इस बीकर के अंदर एक लिक्विड फिल करते हैं जिसका नेचर एसिडिक होता है, और ये जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस विलयन होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो इस एनोड से ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहां पर इस एनोड से जो कैटायन है वो तो किसकी तरफ जाते हैं, कैथोड की तरफ। और एनायन मतलब हो गया नेगेटिव चार्ज, एनायन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। एनायन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। और जो कैटायन है उसे कहा जाता है पॉजिटिव चार्ज आयन। तो जो कैटायन, जो एनायन है वो तो, जो कैटायन है वो तो यहां, जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो तो यहां से यहां जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज आयन है वो कहां जाते हैं, वो यहां से यहां जाते हैं। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो फ्लो होता है कहां से, एनोड टू कैथोड, और जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्लो होता है कैथोड टू एनोड। और दोस्तों कैटायन को धनायन कहते हैं, और जो एनायन है उसे ऋणायन कहा जाता है। तो जो धनायन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो मैंने बताया एनोड से कैथोड फ्लो होता है, और जो नेगेटिव चार्ज मतलब जो ऋणायन है वो कैथोड से एनोड की तरफ प्रवाहित होता है। तो दोस्तों ये इसमें विद्युत का ये जो प्रक्रिया है, इसमें विद्युत का उपयोग करके धातु का अपघटन किया जाता है, जो अपशिष्ट धातु है उससे जो शुद्ध धातु है वो प्राप्त की जाती है। तो इट इज अ वेरी यूजफुल वे ऑफ मेकिंग एलिमेंट्स फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स की। दोस्तों आयनिक कंपाउंड से एलिमेंट्स को बनाने का भी एक यूजफुल
वे है, तरीका है, और साथ ही साथ ये मैटर्स को रिफाइनिंग करने का भी एक बेस्ट मेथड है। द प्रोसेस इन्वॉल्व प्लेसिंग टू इलेक्ट्रोड्स इन ए डिजोल्व और मोल्टन आयनिक कंपाउंड। तो ये किसी प्रोसेस है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स रखे जाते हैं, ये दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये दो, ये एक इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड इन ए मोल्टन आयनिक कंपाउंड। तो मैंने आपको बताया कि ये सॉल्यूशन होता है, ये मैंने बताया आपको एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है, करंट इज पास थ्रू द लिक्विड एंड द आयंस आर अट्रैक्टेड टू द इलेक्ट्रोड्स। और यहां पर करंट फ्लो कराया जाता है, करंट फ्लो कराने से क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल्स है, जो जो जिन जिनमें ऐसे ऐसे पार्टिकल्स जिनमें आवेश है, तो ये जो धनायन और जो ऋणायन है, ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, प्रवाहित होते हैं। तो कैथोड को क्या कहा जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो एक ऐसे द इलेक्ट्रोड, ऐसे इलेक्ट्रोड जो कि एनायन को डोनेट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, उन इलेक्ट्रोड को एनायन कहा जाता है, उन इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। और एनोड, एनोड किसको कहा जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब हो गया कैथोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब हो गया एनोड। तो एनोड की डेफिनेशन जान लेते हैं, द इलेक्ट्रोड विच डोनेट कैटायन टू द सॉल्यूशन। ऐसे इलेक्ट्रोड जो सॉल्यूशन को कैटायन डोनेट करते हैं, एंड करंट इज फ्लो थ्रू एनोड, और एनोड से ही करंट फ्लो होता है। नेक्स्ट है, दो प्रोसेस इसी में रिफाइनिंग के अंदर, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो दोस्तों जितने भी मेटल्स हमें मिलते हैं, वो सारे के सारे इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, क्योंकि उनकी ओर मिलती है। तो ओर के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि ओर के साथ क्या होता है, गैंग गैंग भी पाई जाती है। तो दोस्तों इस गैंग को अलग करने के लिए, इस इंप्योरिटीज को दूर करने के लिए, प्योर मेटल को प्राप्त करने के लिए, प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिफाइनिंग टेक्निक्स अपनाई जाती है। उसी में एक टेक्निक है रोस्टिंग। तो इसमें इट इज अ प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इंटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन एक्सेस एयर। तो दोस्तों रोस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड में बाय हीटिंग, इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है एक्सेस एयर के अंदर। तो दोस्तों जितनी भी हमें ओर मिलती है ना, वो सारी की सारी या तो सल्फाइड ओर होती है या फिर कार्बोनेट ओर होती है। तो सल्फाइड ओर्स को उस मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाती है, रोस्टिंग कहलाती है। नेक्स्ट है कैल्सिनेशन। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच द कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन लिमिटेड एयर। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस है जिसमें कार्बोनेट ओर्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, यहां भी हीटिंग स्ट्रॉन्गली हीट किया जाता है, लेकिन फर्क क्या है, इन लिमिटेड एयर। यहां पर लिमिटेड एयर यूज की जाती है, यहां पर एक्सेस एयर यूज की जाती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोस्टिंग की प्रोसेस के द्वारा सल्फाइड ओर्स ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, और कैल्सिनेशन के द्वारा कार्बोनेट ओर्स ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं विद्युत अपघटन की। तो ये आयनिक यौगिक को तत्व में परिवर्तित करने की आसान विधि है, और साथ ही साथ धातुओं को शोधन करने की भी ये आसान विधि है। इस प्रक्रिया के दौरान दो इलेक्ट्रोड एक अम्लीय विलयन में उपस्थित होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कैथोड के द्वारा ऋणायन विलयन में प्रवेश करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कैथोड को क्या कहा जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब धनावेश इलेक्ट्रोड। एनोड के द्वारा विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और धनायन भी एनोड के द्वारा ही विलयन में प्रवेश करते हैं। अब दो प्रक्रियाएं हैं, भर्जन और निस्तापन। तो दोस्तों भर्जन की बात कर लेते हैं, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों भर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सल्फाइड अयस्क को, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी अयस्क है, वो या तो जो हमें भूपट्टी से मिलते हैं, वो या तो भूपट्टी से और समुद्र से मिलते हैं, या तो वो सल्फाइड अयस्क होते हैं या फिर कार्बोनेट अयस्क होते हैं। तो सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, वो भर्जन कहलाती है। इसमें वायु की उपस्थिति में इसको अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। वायु जो होती है वो क्या होती है, अत्यधिक होती है, ज्यादा वायु होती है। दूसरी प्रक्रिया है निस्तापन। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्बोनेट अयस्क को
सीमित वायु में अधिक तापमान पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया हो गई जिसके द्वारा कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और जो वायु होती है जो सीमित होती है और तापमान जो होता है वो अधिक होता है। तो आपको याद रखना है कि भर्जन की प्रक्रिया के द्वारा सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है और निस्तापन के द्वारा कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदला। तो दोस्तों नेक्स्ट है कोरोजन मतलब संचारण। तो दोस्तों कोरोजन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा मेटल्स का डिग्रेडेशन होता है, मेटल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, या फिर बोल सकते हैं ईटिंग ऑफ वो मेटल्स, जो मेटल्स है वो नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे एग्जांपल लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये कोरोजन का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं संचारण की। तो संचारण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा धातु का ह्रास होता है, धातु को नुकसान होता है, धातु नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं कोरोजन की, संचारण की। तो इसकी डेफिनेशन बात कर लेते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स, मेटल का डिग्रेडेशन होना, खत्म होना। डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स, इसको भी कोरोजन कहते हैं। ईटिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स का खत्म हो जाना, मेटल्स को खा लेना, खत्म कर देना। ये सब जो डेफिनेशन जो बिलोंग करती है वो कोरोजन से बिलोंग करती है। तो दोस्तों संक्षारण का मतलब क्या हो गया? धातुओं का खत्म होना, धातुओं की तबाही होना, या फिर धातुओं का नष्ट हो जाना, धातुओं को नुकसान पहुंचना, धातुओं का ह्रास हो जाना। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बताया कि जैसे लोहे पे जंग लगना, चांदी का काला पड़ना और तांबे पर हरे कलर की परत जम जाना, ये तीनों ही उदाहरण किसके हैं? संचारण के उदाहरण है। इन तीनों के द्वारा ही, जब इन तीनों जो मेटल्स है इन पर क्या होता है, इनको नुकसान पहुंचता है, नष्ट हो जाते हैं। और दोस्तों नोट करने वाली बात यह है कि इफ एयर एंड वाटर बोथ आर प्रेजेंट टुगेदर, अगर एयर मतलब ऑक्सीजन और एयर मतलब हवा और वाटर मतलब जल, जब दोनों एक साथ प्रेजेंट रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, तो उसके कारण क्या होता है, इन मेटल्स को, इन धातुओं पे क्या हो जाती है, संचारित हो जाती है, संचारण का इनको सामना करना पड़ता है। अटैक ऑफ एसिड मेड द मेटल कोरोडेड, और जब किसी मेटल के ऊपर हम एसिड का अटैक करते हैं तो वो मेटल क्या हो जाता है, कोरोडेड हो जाता है। मतलब वो जो धातु है, जब उस पर किसी अम्ल, एसिड मतलब हो गया अम्ल, जब किसी अम्ल के उस पर हम अटैक करते हैं, प्रहार करते हैं, तो जो मेटल है, जो धातु है, वो कोरोडेड हो जाती है, संचारित हो जाती है। तो दोस्तों ये कोरोजन की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आयरन पे। तो दोस्तों जब आयरन जब कोरोड होता है, आयरन जब कोरोड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे पे जंग लगना, आयरन हो गया लोहा। तो लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब हो गया लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना भी किसका उदाहरण है, संचारण का उदाहरण है। दोस्तों इसमें होता क्या है, रेडिश ब्राउन पाउडर, कि जैसे ही आयरन पे आयरन कोरोड होना शुरू होता है, तो उस पर रेडिश ब्राउन जो पाउडर है वो प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब लाल भूरे कलर का एक जो पाउडर है वो उत्पन्न हो जाता है। इस रेडिश ब्राउन पाउडर को क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, रस्ट यानी जंग बोलते हैं। यह भी आपको याद रखना है कि जंग का कलर कौन सा होता है, रस्ट का कलर कौन सा होता है। रस्ट क्या होती है, रेडिश ब्राउन पाउडर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो दोस्तों इसका कारण यह है कि यहां पर जो आयरन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। इस फेरिक ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉपर। तो दोस्तों कॉपर यानी तांबा, तांबे भी क्या लगती है, बोलते हैं जंग लगती है। तांबे को भी संचारण का सामना करना पड़ता है। तो तांबे पर क्या होती है, ग्रीन कलर की कोटिंग छा जाती है, हरे कलर की परत छा जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा कि एक तो ये याद करिएगा कि जो आयरन, जो लोहा है, जब लोहे पर जंग लगती है तो उसका कलर कौन सा होता है, लाल भूरे कलर का कलर होता है। और जब कॉपर तांबा जब संचारित होता है तो उस पर कौन सी परत छा जाती है, ग्रीन हरे कलर की परत छा जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉपर रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट।
तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो कॉरोजन है वो किसकी वजह से होता है, एयर और वाटर की वजह से होता है या फिर एसिड के अटैक की वजह से होता है। तो दोस्तों एयर के अंदर आप सभी लोगों को पता होगा कि एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी गैस भी प्रेजेंट होती है। तो जब दोस्तों जब ये कॉपर CO2 से रिएक्ट करता है, जब तांबा कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, तो ये क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है। कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला CuCO3 होता है। तो दोस्तों जो ये हरे कलर की जो परत होती है, जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, ये क्या होती है, कॉपर कार्बोनेट ही होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सिल्वर, मतलब चांदी। चांदी में भी दोस्तों जैसा हमने देखा होगा कि चांदी कुछ समय बाद काली पड़ जाती है, तो चांदी का जो काला पड़ना है, चांदी पर काले कलर की जो परत जमना है, वो भी किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर जो है वो कॉरोजन का एग्जाम्पल है। तो इस सिल्वर पे क्या होती है, ब्लैक कोटिंग होती है, काली परत चढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सिल्वर है वो किससे रिएक्ट करता है, सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाता है, सल्फर के साथ अभिक्रिया कर जाता है, इससे क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है। और सिल्वर सल्फाइड जो काले जो चांदी पर काले कलर की परत है वही सिल्वर सल्फाइड कहलाती है। उस ब्लैक कलर की लेयर को, उस ब्लैक कलर की जो लेयर होती है वो सिल्वर सल्फाइड ही होती है। नेक्स्ट है ऐसा पॉइंट जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है एलॉय। एलॉय को मिक्स्ड धातु कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ये होती क्या है। तो मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो मिक्सचर है, जब धातु और अधातु का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, एलॉय कहलाता है। नाम से चल रहा है मिश्र धातु, जो कि धातु या फिर अधातु के मिश्रण से बनते हैं। दूसरा ऐसा नहीं है कि ये ओनली मेटल्स और नॉन मेटल्स जब कंबाइन होंगे, इनका मिक्सचर बनेगा तभी एलॉय बनते हैं। जब मेटल्स और मेटल्स कंबाइन होते हैं तो भी एलॉय बन सकता है, मतलब जब धातु और अधातु का जो मिश्रण है वो भी क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। तो दोस्तों सवाल अब ये उठता है कि हमें मिश्र धातु बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, हमने एलॉयस का फॉर्मेशन क्यों किया। तो दोस्तों जब हम ये कॉम्बिनेशन करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का, तो हम इसलिए करते हैं ताकि उसे स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ मिल सके, उसकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो बढ़ सके, एंड और रेजिस्टेंस टू कॉरोजन, और ये क्या लगे, जंग लगने से बच सके। इसी वजह से मिश्र धातु को बनाया जाता है, एलॉयस का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं अलग अलग एलॉयस के बारे में। फर्स्ट एलॉय है ब्रास, जिसे कि पीतल कहा जाता है। तो ब्रास जो बनता है वो कॉपर और जिंक से बनता है। जब तांबा और जस्ता जब आपस में मिलते हैं तो उनसे क्या तैयार होता है, पीतल तैयार होता है। दोस्तों हमारे घर के अंदर पीतल के बर्तन भी मिल जाएंगे, तो वो जो पीतल है वो क्या है, ब्रास है। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज, जिसे कि कांसा कहा जाता है। तो दोस्तों कांसा किससे बनता है, तांबे से और टिन से बनता है, मतलब ब्रॉन्ज का जो फॉर्मेशन होता है वो कॉपर और टिन, जब कॉपर और टिन को मिलाया जाता है तो उससे क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। जैसे आपने नाम सुना होगा ओलंपिक्स होते हैं, उनके अंदर ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। तो दोस्तों जो ब्रॉन्ज मेडल जो बनता है वो किससे बनता है, कॉपर और टिन के फॉर्मेशन से बनता है, जिसमें ये, अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी परसेंटेज दी गई है हमारे द्वारा, ये आपको सबको याद करनी है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस ब्रॉन्ज के अंदर 60% तो कॉपर पाया जाता है और 40% टिन पाया जाता है। नेक्स्ट है बेल मेटल, जिससे बेल बनाई जाती है, घंटी बनाई जाती है। तो इसके अंदर जो कॉपर है, मतलब तांबा जो है, वो 90% पाया जाता है, और जो टिन है वो 10% टिन इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। तो दोस्तों स्टेनलेस जो स्टील है किस किस से बनता है, आयरन लोहे से, क्रोमियम से और निकल से। जब आयरन क्रोमियम और निकल को मिलाया जाता है तो उससे क्या होता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। स्टेनलेस स्टील के आजकल काफी हमारे किचन के अंदर बर्तन हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट है अमलगम। तो दोस्तों अमलगम क्या है, एलॉय ऑफ मरकरी है। ये क्या है, मरकरी का पारे का अयस्क है, जो कि जो हमारे दांतों में जो फीलिंग भरी जाती है, उसमें क्या भरा जाता है, अमलगम ही भरा जाता है। नेक्स्ट है फ्यूज वायर, फ्यूज तार। तो दोस्तों फ्यूज जो तार है इसमें, ये किस किस से बनता है, तो दोस्तों फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, जो कि मैंने आपको, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो था पिछला, उसमें मैंने आपको फ्यूज के बारे में बताया था, तो वहां जाकर आप ये देख सकते हैं। तो इस फ्यूज के अंदर टिन जो होता है वो 67% होता है, और जो लेड होता है वो 33% होता है। नेक्स्ट है डच मेटल, डच धातु। ये जो बनता है वो कॉपर और जिंक से बनता है, कॉपर यानी तांबा और जिंक यानी जस्ता, जिसके अंदर 60% तो कॉपर होता है और 40% क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है। नेक्स्ट है रोल्ड गोल्ड।
दोस्तों ये डच मेटल है जिससे सिक्के भी बनते हैं। नेक्स्ट है रोल्ड गोल्ड, जो कि दिखने में लगभग गोल्ड जैसा ही होता है, जिसमें कॉपर होता है 90% और जो एल्युमिनियम होता है, कॉपर यानी तांबा जो होता है वो 90% 90% होता है, और जो एल्युमिनियम होता है वो 10% होता है। नेक्स्ट है निकल सिल्वर या फिर जर्मन सिल्वर। तो दोस्तों जर्मन जो सिल्वर है वो आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी में इनका काफी यूज होने लगा है। ये दिखने में तो चांदी जैसी होती है, लेकिन ये प्योर चांदी नहीं होती। ये किस किस से बनती है? कॉपर, तांबे से, निकल से और जिंक यानी जस्ते से। कॉपर तांबा होता है, जिंक जस्ता। इसमें 50% कॉपर होता है, 15% निकल होता है, और 35% क्या होता है? जिंक होता है, जस्ता होता है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों जितने भी ये एलॉयज हैं, ये किस किस कौन कौन से मेटल से, कौन कौन से नॉन मेटल से बनते हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सोल्डर। तो दोस्तों सोल्डर में लेड, सोल्डर जो बनता है वो लेड और टिन के फॉर्मेशन से बनता है, कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें 40% ये सोल्डर है, सोल्डर वायर है ये, जिसमें 40% लेड होती है और 60% टिन होती है। तो दोस्तों सोल्डर वायर को यूज किया जाता है कि जैसे मान लो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं उनको किसी किसी कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए सोल्डर वायर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्यूटर। प्यूटर के क्या होते हैं दोस्तों? बर्तन भी बनते हैं और कई सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी बनते हैं। ये जो बनता है ये टिन प्लस कॉपर प्लस लेड, टिन के, कॉपर के और लेड के फॉर्मेशन से बनता है, ये कॉम्बिनेशन से बनता है, मतलब टिन कॉपर तांबा और लेड। जिसमें नोट करने वाली बात यह है कि इसमें टिन जो प्रेजेंट होता है वो लगभग 85% से अबव प्रेजेंट होता है, 85% से ज्यादा इसमें टिन उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है यूरेका। तो दोस्तों यूरेका के भी क्या बनते हैं? ज्वेलरी आइटम्स, ज्वेलरीज बनती है। यूरेका जो बनता है वो कॉपर और निकल के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसमें 60% कॉपर, 60% तांबा पाया जाता है और 40% निकल पाई जाती है। नेक्स्ट है कॉइन मेटल। तो दोस्तों जो कॉइन्स बनते हैं, जो हमारे रुपीज, जो हमारे करेंसी के जो कॉइन्स बनते हैं, इनमें ये जो एलॉय है वो किस किस से बनता है? ये कॉपर, टिन और फॉस्फोरस से बनता है, जिसमें कॉपर 95% होता है, तांबा 95% होता है, टिन 4% होता है, और फॉस्फोरस जो है वो 1% होता है। नेक्स्ट है एक और एलॉय, एक और मिश्र धातु है, वो है ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम जो बनता है वो एल्युमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, कॉपर तांबा हो गया। नेक्स्ट है गन मेटल। तो दोस्तों ये गन मेटल है, गन मेटल के हुक बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो गन मेटल जो बनता है वो कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक से बनता है, जिसमें कॉपर 88% होती है, जिंक 10% होती है, और सॉरी टिन जो है वो 10% होता है, और जिंक जस्ता है वो 2% होता है। नेक्स्ट है स्टील। तो दोस्तों जो स्टील के जो हमारे घर में बर्तन भी यूज आते हैं, कि हमारे किचन के अंदर, तो यूटेंसिल्स भी जो है वो टिन से, स्टील से बने होते हैं। तो जो स्टील जो बना होता है वो किससे बना होता है? आयरन प्लस कार्बन, या आयरन में जब कार्बन कंबाइन कर दिया जाता है तो इससे किसका फॉर्मेशन होता है? स्टील का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की, कुछ तथ्य की। तो दोस्तों जितने भी फैक्ट्स है ये आपको लर्न करने हैं। तो फर्स्ट फैक्ट है कि सॉलिड CO2 को हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स, तो आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो ड्राई आइस किसको बोलते हैं? सॉलिड CO2 को बोलते हैं। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहां से आप पहचानिएगा मैग्नीशिया, मैग्नीशिया जो वर्ड बना है वो मैग्नीशियम से बना है। तो दोस्तों मैं आपको उसका फॉर्मूला ही बता देता हूं, MgOH2। दोस्तों नेक्स्ट है स्केल्ड लाइम। तो दोस्तों स्केल्ड लाइम किसको कहा जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्केल्ड लाइम कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH2। ये फॉर्मूलाज भी आप सारे याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में आ सकते हैं। और ये भी याद कर लीजिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्केल्ड लाइम कहा जाता है। नेक्स्ट है क्विक लाइम। तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज क्विक लाइम। नेक्स्ट है लाइमस्टोन किसको कहा जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहा जाता है, और इसका जो फॉर्मूला है
वो है CaCO3। CA जो है वो किसका सिंबल है, कैल्शियम का सिंबल है, और कार्बोनेट को CO3 कहा जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहा जाता है। इन लाइमस्टोन्स का यूज किया जाता है घर पे पेंट करने के लिए। नेक्स्ट है टिंचर ऑफ आयोडीन। तो दोस्तों टिंचर ऑफ आयोडीन है वो किस किस से बनता है, आयोडीन और एल्कोहल से बनता है। तो ये आप याद रखिएगा कि टिंचर ऑफ आयोडीन का फॉर्मेशन आयोडीन और एल्कोहल के फॉर्मेशन से होता है। जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है। ये एज अ मेडिसिन यूज होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ठोस CO2 की, जो CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH2 होता है। नेक्स्ट है बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है CaOH2। कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है CaO। और चूना पत्थर जो कहा जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और जैसे मैंने आपको बताया मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और टिंचर और जो आयोडीन है वो आयोडीन और एल्कोहल के मिक्सचर को टिंचर ऑफ आयोडीन कहा जाता है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों हमारा जो संस्थान है सारस्वत स्टेनो क्लासेस, वो स्टेनोग्राफी को आसान तरीके से और सबसे कम समय में एनिमेटेड स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से सिखाने वाला राजस्थान का एकमात्र संस्थान है। और ये संस्थान आपके शहर जयपुर में उपस्थित है। तो दोस्तों जो लोग स्टेनो सीख रहे हैं, जो लोग स्टेनो सीखने के इच्छुक हैं और इसमें गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, वो लोग हमारे संस्थान से आके जुड़े। और हमारे संस्थान के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया कि एनिमेटेड स्मार्ट क्लासेस के द्वारा आपको स्टेनो सिखाई जाती है, और हमारे यहाँ पर एडमिशन्स ओपन है आप सभी के लिए। और स्पेशल बैच चलाए जा रहे हैं जो आपकी RSMSHB की जो भर्ती है स्टेनोग्राफर 2018 की, उसके लिए भी बैच चलाए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारे वीडियो समाप्त होता है।